उधम सिंह नगर पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर टीम ने लालकुआं किच्छा रोड पर चेकिंग शुरू की, जहां उन्होंने ऑल्टो कार समेत संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। युवक से पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक, 60,000 नकदी बरामद की है। हमारे पंतनगर थाने की और एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की गई है। ये तकरीबन 48 ग्राम स्मैक इन्होंने पकड़ी है और इससे कुछ कैश भी बरामद हुआ और एक ऑल्टो गाड़ी भी मिली है। तो ये लगातार जो है एडीटीएफ, जो हमारी राज्य की एंटी ड्रग टास्क फोर्स है, और जो जिले के हमारे एसओज हैं और एसओजी है, उनको बताया गया है कि इसमें अभियान चलाएं और ये नशा, चाहे शराब हो, चाहे स्मैक हो, चाहे अफीम हो, इन सभी मादक पदार्थों पे लगातार कार्रवाई जिले में की जा रही। गिरफ्तार युवक ने अपना नाम चमकौर सिंह बताया है, जो कि नानकमत्ता का निवासी है। बरामद की गई स्मैक की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। मामले पर पुलिस की पूछताछ जारी है। उधम सिंह नगर से यामीन मलिक की रिपोर्ट।